साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो ईयर ब्रेक है और ऑलरेडी ईयर ब्रेक का पार्ट वन अपलोड कर दिया गया है और यह पार्ट टू है। आप पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी रेलवे डिपार्टमेंटल जेई एंड टेक्नीशियन ऐसा करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें टोटल रेलवे डिपार्टमेंटल का ही टोटल कलेक्शन किया गया है और क्वेश्चन बैंक का। तो आज आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज पूरा ईयर ब्रेक को कम्प्लीटली देखेंगे। इसे एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आपको मिस हो पाएगा एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टर इज़ यूज्ड इन पैसेंजर कोचेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IRSA 450। क्वेश्चन नंबर 54 है, फॉर टेस्टिंग C3WGV द AR चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 175 प्लस माइनस 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55 है, फॉर टेस्टिंग KE Type GV द AR चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस, 160 to 210 सेकेंड। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर 56 है, फॉर टेस्टिंग C3WGV द CR चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 165 प्लस माइनस 20 सेकेंड। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 57, फॉर टेस्टिंग KE Type DV द CR चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस, 160 प्लस माइनस 40 सेकेंड, मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 58 एंड क्वेश्चन नंबर 58 इज द थ्री ब्रांच पाइप अटैच टू कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर द मिडिल पाइप लीड टू। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, AR। आइए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 59 है, द हेल्प ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक द एयर प्रेशर इन ट्रेन पाइप इस एग्जॉस्ट और क्लोज। तो ये ट्रू है, ये क्लोज होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, फॉर टेस्टिंग C3W/KE Type DV आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम फ्रॉम 0 to 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस, 3 to 5 सेकेंड। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, फॉर टेस्टिंग C3W/KE Type DV आफ्टर रिलीजिंग द ब्रेक सिलेंडर रिलीज टाइम फ्रॉम मैक्सिमम बीसी प्रेशर फ्रॉम 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज, 15 to 20 सेकेंड। ऑप्शन विल बी डी। आइए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 62 है, फॉर टेस्टिंग C3W/KE Type DV आफ्टर इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम फ्रॉम 0 to 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस, तो 3 to 5 सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू एटमोस्फियर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन द पैसेंजर कोचेस, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बॉल टाइप। आइए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 65 है, द डायमीटर ऑफ बॉल इन इंटरनल बॉल वाल्व ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक इज 10 mm। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, एट व्हाट इंटरवल चेक फ्रॉम ए एंड ई डायमेंशन ऑफ पैसेंजर कोच, तो एवरी ट्रिप। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, एट व्हाट शेड्यूल द मैनुअल
brake release test is carried out on every coach of the rack, then answer will be option number B, A schedule. आइए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 68 है, एट व्हाट शेड्यूल टेस्टिंग ऑफ प्रेशर गेज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव और एक्यूरेट गेज फॉर एसआईआर और गार्ड कंपार्टमेंट. तो सी शेड्यूल इसका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट टाइप ऑफ गेज टू बी यूज आफ्टर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन ऑल पार्ट ऑफ स्लैक एडजस्टर. तो सर्बो GEM4 ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. आइए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 70 है, द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज्ड इन बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच इज ट्यूब ए. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 71 है, द टोटल नंबर ऑफ MU वॉशर यूज्ड इन अ ट्विन पाइप पैसेंजर कोच इज अ रैक इज 4. क्वेश्चन नंबर 72 है, एट व्हाट शेड्यूल व्हेन सिंगल कार टेस्ट इज कैरीड आउट. तो सी शेड्यूल. क्वेश्चन नंबर 73 है, इन सिंगल कार लगेजेस टेस्ट द एयर प्रेशर ड्रॉप शुड नॉट एग्जिस्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. क्वेश्चन नंबर 74 है, एट व्हाट इंटरवल टेस्ट रिग विथ लोकोमोटिव टेस्टिंग इज कैरीड आउट 6 months. क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हेन डीवी इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीवी हैंडल इज. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल. क्वेश्चन नंबर 76 है, एज पर पॉपुलेशन ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बल्ब शुड बी कैप्ट एज स्पेयर. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 5%. क्वेश्चन नंबर 77, द इनरूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ MOBG BG कोचिंग ट्रेन इज 90%. क्वेश्चन नंबर 78 है, द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ पैसेंजर BG कोचिंग ट्रेन इज नॉन स्पेसिफाइड. एंड साथियों, जो एयर ब्रेक से क्वेश्चंस आते हैं वो 5 से 7 के बीच में रहते हैं, इसलिए इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है. तो आइए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट शैल बी द आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट टू द कोच नंबर एट द कोच साइड शैल बी पेंटेड एयर कोचेस विथ 24B. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, Y. क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट शैल बी द आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट टू द कोच नंबर एट द कोच साइड शैल बी पेंटेड एयर ब्रेक कोच विथ 110B. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर CA. क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर अ पैसेंजर कोच. तो इसमें 9 लीटर हो जाएगा इसका आंसर. आइए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 82 है, लेंथ ऑफ एयर ब्रेक होस इज. तो 839 mm. क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन इज. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 3.8 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 84 है, डीवी इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन कॉमन पाइप ब्रैकेट. ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा. आइए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 85 है, विच कंपोनेंट सप्लाइज कंप्रेस्ड एयर टू डीवी. तो मेन वाल्व. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 86 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इन डीवी कंट्रोल्स चार्जिंग ऑफ CR. देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कट ऑफ वाल्व.
आइए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 87 है, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बी सी इन द सीक्वेंस दे आर अरेंज इन बी सी असेंबली। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम आपका हो जाएगा डॉम कवर, ये वन में हो जाएगा एक नंबर में। दूसरा में हो जाएगा स्प्रिंग, दो नंबर में क्या हो जाएगा स्प्रिंग। तीन नंबर में क्या हो जाएगा वार बियरिंग, वियर रिंग। एंड चार में चार ही होगा यानी पिस्टन पैकिंग, ये हो जाएगा आपको चार में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। ए डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड एयर ब्रेक कोचिस 22 प्लस जीरो एमएम, इसका आंसर 4 mm, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 है, द एंगल कॉक ऑफ बैगन कैन बी फिटेड ऑन कोच प्रोवाइडेड इट इज हैविंग, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसर विथ इनर एंड आउटर थ्रेड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 90 है, कट ऑफ एंगल कोच इज ओपन पोजिशन ऑफ हैंडल इज पैरेलल टू पाइप, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 है, द फुल फॉर्म ऑफ सीआर इज कंट्रोल रिजवायर, इसका कंट्रोल रिजवायर सीआर का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, फुल फॉर्म ऑफ एयर मीन्स ऑक्सिलरी रिजवायर, इसका आंसर रिज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ कोच द फ्लोइंग इज फिल्ड, तो 1 BP, 1 FP एंड 2 DC, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 94 है, इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ वन कोच हाउ मेनी MU वॉशर्स आर फिटेड, तो 4 MU वॉशर्स, ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 है, कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम इज, तो 2 कंट्रोल ब्रेक सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन सेंडिंग एयर टू बी सी, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, एयर होस कैन बी कनेक्टेड टू बीपी एंड एफपी कट ऑफ एंगल कॉक, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 है, द ड्राइवर रिड्यूस्ड द बीपी प्रेशर बाय 1.2 kg/cm², देन इट इज कॉल्ड फुल सर्विस एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 है, डर्ट कलेक्शन शुड बी क्लीनिंग विद इन एट द टाइम ऑफ ए शेड्यूल। साथियों ये सारा जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, ये आपका जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है एंड टेक्नीशियन का, जो भी हमारे मित्र जो भी हमारे फ्रेंड्स इसका एग्जाम देना चाह रहे तो वो सारा का सारा ये क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 100 है, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन बीपी इज 0.6 kg/cm² पर मिनट इन 6 सेकेंड। एंड क्वेश्चन नंबर 101 है, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन बीपी इज 0.3 kg/cm² इन 60 सेकेंड, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 है, द फंक्शन ऑफ मेन वाल्व ऑफ C3W टाइप DV इज टू सप्लाई रिक्वेस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर इन टू द ब्रेक सिलेंडर व्हेन बीपी प्रेशर इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन विल बी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103 है, द मेन वाल्व इन DV एक्सॉर्ट्स प्रेशर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर टू एटमोस्फियर व्हेन बीपी प्रेशर इज रेज्ड, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 104 है, द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इज टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एयर टू
एफ पी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105 है, क्वेश्चन नंबर 105 है, द ट्रबल शूटिंग फॉर ट्विन पाइप सिस्टम इज आइसोलेट एयर डीवी एंड रिलीज ब्रेक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 106 है, व्हाट डू यू मीन ऑफ एससीआरटी, तो एससीआरटी का मतलब सिंगल कार टेस्ट रिग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 107 की ओर चलते हैं, व्हाट डू यू मीन ऑफ एससीटीडी, मीन सिंगल कार टेस्ट डिवाइस, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108 है, द लास्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक आफ्टर ब्रेक वाइंडिंग इज टेक आउट पिन ऑफ पाम इन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109 है, फॉर रिलीजिंग ब्रेक्स एस ए बी इज रोटेटेड टू टॉर्ड्स ट्रॉली इन एंटी क्लॉक वाइज, ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। एंड 110 है, टू अनकपल बीपी ऑफ एपी एयर होस इज इसेंशियल टू क्लोज एडजस्टमेंट एंगल कॉक्स, ऑप्शन, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं, बीसी वेंट प्लग इज यूज्ड फॉर ब्रेक रिलीज, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। एंड क्वेश्चन नंबर 112 है, फॉर बाईपास द स्पेशल डिवाइस इसेंशियल इज फॉर आईपी एंड बीपी कनेक्टर, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 113 है, व्हाट शैल बी फंक्शन ऑफ चेक वाल्व ऑफ C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ एयर। आइए क्वेश्चन नंबर 114 की ओर चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 114 है, कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड विथ फीड पाइप एंड ब्रेक पाइप बोथ। क्वेश्चन नंबर 115 है, द कंट्रोल रिजर्वायर इज माउंटेड ऑन द फेस ऑफ कॉमन पाइप ब्रैकेट, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो इसका बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 116 की ओर चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 116 है, द फंक्शन ऑफ डट कलेक्टर इज टू सिग्रेगेटेड डट पार्टिकल फ्रॉम द एयर, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बिफोर कमिंग टीवी। क्वेश्चन नंबर 117 है, द एमआर प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी 8 to 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 118 है, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रांच पाइप ऑफ डीवी टू बीसी वाया कॉमन पाइप ब्रैकेट इज एट द बॉटम, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 है, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रांच पाइप ऑफ डीवी टू एआर वाया कॉमन पाइप ब्रैकेट इज इन द मिडिल, ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120 है, द पोजिशन ऑफ हैंडल टू ओपन एंगल कॉक इज पैरेलल टू पाइपलाइन, ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121 है, द पोजिशन ऑफ हैंडल टू क्लोज कट ऑफ हैंडल, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, परपेंडिक्युलर टू पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 122 है, विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज्ड व्हेन डीवी इज आइसोलेटेड, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 123 है, इन एयर
ब्रेक सिस्टम सेंसिटिविटी टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू नो वर्किंग सेंसिटिव ऑफ डीवी टू डिसाइडेड बल्ब. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 124 है, इफ देयर इज लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम आउटलेट गार्ड वन वाल्व व्हेन हैंडल इज इन ऑफ पोजिशन देन द रीजन कैन बी. तो इसका आंसर हो जाएगा टू, यानी वॉल्व फिटिंग इज इसेंट्रिक. ऑप्शन नंबर सी भी है, वॉल्व हैज डेवलप्ड सेक्रेचेस. एंड चार है, फोर्थ है, सीट रिंग आर डैमेज. देन ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 125 है, इफ देयर इज लीकेज फ्रॉम ड्रेन प्लग ऑफ डर्ट कलेक्टर देन द रीजन कैन बी हेक्सागोनल नट नॉट फुल डैमेज्ड. ये सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 126 है, स्लो चार्जिंग फ्रॉम आउटलेट ऑफ डर्ट कलेक्टर कैन बी ड्यू टू गैस्केट डैमेज्ड. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. एंड क्वेश्चन नंबर 127 है, इन अ एसएबी डबल एक्टिंग मींस ब्रेक स्विच क्लियरेंस इज एडजस्टेड टू इट्स करेक्ट वाल्व बोथ वेज. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 128 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएबी. तो टू डेवलप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट. ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा. आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 129 को. एंड क्वेश्चन नंबर 129 है, इफ इन बीसी द पिस्टन मोमेंट इज स्ट्रिक्टली इन बोथ एप्लीकेशन एंड रिलीज देन इट कैन बी ड्यू टू हेक्सागोनल नट्स नॉट इक्वली टाइटेंड. ऑप्शन नंबर बी. एंड क्वेश्चन नंबर 130 है, 130. इफ इन ब्रेक सिलेंडर देयर इज लीकेज फ्रॉम फ्रंट कवर ज्वाइंट ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन देन इट कैन बी ड्यू टू पिस्टन रबर पैकिंग रनिंग ड्राई. ऑप्शन नंबर सी. एंड क्वेश्चन नंबर 131 है, इफ द हैंडल ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक रोटेट्स ऑल राउंड and shoes does not stop at a specific piston position that the reason can be stopper lug of cab broken or stopper plate defective. Answer will be option number D. Question number 132 hai, if there is a leakage from vent hole in an open position from cutoff angle cock then it can be due to any foreign particle sticking on the surface of the ball. Option number C iska answer ho jayega. Question number 133 hai, what is the function of leaf spring provided in the handle of cutoff angle cock. So to keep operating handle in off and position firmly. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 134 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीटिंग वॉशर इन एयर होस प्रोवाइड स्ट्रेंथ विच प्रिवेंट द कपलिंग टू ओपन ड्यूरिंग नॉर्मल रनिंग. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 135 है, द वेंट होल provided in the cut off angle cock 2 when angle cock is closed. Then answer will be option number A, exhaust air pressure of air hose into atmosphere. Question number 136 hai, POH periodically of DV is. Answer will be option number A, 3 year or 8 lakhs kilometer whichever is earlier. Question number 137 hai, if DV is having leakage, then answer will be option number C, close the isolating cock of the BP branch pipe. Question number 138 hai, air hose pipe are connected to. Answer will be option number C, brake pipe and feed pipe cut off angle cock. Answer will be option number C.
एंड क्वेश्चन नंबर 139 है, द फंक्शन ऑफ रिटर्न ए स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन अ ब्रेक सिलेंडर इज, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर. क्वेश्चन नंबर 140 है, ई डायमेंशन इज मेजर्ड टू, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम प्रोटेक्शन ट्यूब टू बी ग्रोव मेड ऑन द स्पिंडल रॉड. एंड क्वेश्चन नंबर 141 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएवी, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, टू मेंटेन द स्लैक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड्स. क्वेश्चन नंबर 142 है, मेजर्ड ए डायमेंशन बिटवीन, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल रॉड हेड एंड बैरल फेस. ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा. आइए क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 143 है, इफ़ द डायमेंशन ऑफ द एसएवी इज रिड्यूस्ड, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन स्टॉक इज रिड्यूस्ड. एंड क्वेश्चन नंबर 144 है, वारंटी पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इज 36 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी और 24 मंथ्स फॉर डेट ऑफ फिटमेंट विच एवर इज अर्लियर. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार कहीं क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस की ज़रूरत है जो आपके सिलेबस में उपलब्ध हो, तो वो हमें टॉपिक ज़रूर बताइए. और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें. साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.